मेरा नाम निलय राज हुआ। मैं जब मुझे तो हाई फीवर से परेशान था, मैं संडे को एडमिट हुआ तो काफ़ी फीवर था 102.03। लास्ट 3-4 डेज से मैं घर पे ही था, घर पे क्योर नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर के सजेशन से मैं फिर यहाँ फोर्ड में आया। काफ़ी फ्रेंड लोग के गाइडेंस है कि हाँ अच्छा हॉस्पिटल है, तो फिर यहाँ पे आया। जी सर, ये यहाँ पर आपको किस डॉक्टर के अंदर रखा गया? हाँ, पहले मुझे एमरजेंसी वार्ड में रेफ़र किया गया, वहाँ पर उन्होंने बेसिक चेक किया मेरा, कोरोना टेस्ट किया और सिटी स्कैन किया, वो सब नेगेटिव होने के बाद उन्होंने मेरा ब्लड रिपोर्ट देके फिर डॉक्टर संजय के अंदर रखा गया मुझे। सर समय समय पर आकर देखते थे आप? हाँ, समय समय पर टाइमली देखते थे। हाँ, नर्सिंग में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी थी नर्सिंग से कोई रिलेटेड, आपको सुविधा ना मिल पाई हो? नर्स नहीं, ठीक था, नर्सिंग का कोई दिक्कत नहीं था। जब भी मैंने बुलाया वो नर्सिंग वाले वगैरह जो साफ सफाई के लिए आते हैं, हाँ उनको मैंने जो भी चीज़ें थी कमियां थी मैंने उनको हाईलाइट किया, उन्होंने उस चीज़ को क्लियर किया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला, वो सब सफाई से किया उन्होंने। यहाँ जो डाइट मिला आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं? डाइट ठीक था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे डाइट उतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन डाइट में कोई जो मैंने बोला राइस चावल वो सब चेंज होकर मिला मुझे। यहाँ हॉस्पिटल आने में आपको कितनी परेशानी? नहीं, ज़्यादा आने के बाद आपको हॉस्पिटल में मतलब ज़्यादा समय लगा इलाज होने में करेंट मतलब? नहीं, मुझे सही बताऊँ डे वन पे थोड़ा सा मुझे डिले हुआ, मैं संडे को एडमिट हुआ था, संडे को शायद डॉक्टर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं थी। हाँ। मेरा इलाज प्रॉपरली मंडे को हुआ, वो भी तो थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डे वन पे थोड़ा गाइडेंस, उससे मुझे परेशानी हुई किसको रीच आउट करना है वो मुझे समझ नहीं आया। वंस डॉक्टर एक बार अवेलेबल हो गए मंडे के बाद से, तो उसके बाद फिर कम्फर्टेबल। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी ठीक है, मेरा तो घर जाने के लिए प्रिपेयर है। हाँ, घर जाने के लिए प्रिपेयर है। चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं? ऐसा होता है कि मन मचलता है या घूमता? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा एक दो चीज़ें जो है बैक पेन वगैरह हल्का था, वो डॉक्टर वो बोले हैं वो हम फॉलोअप में हम लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। थैंक यू।